है, मैंने कल काजल लगाया था, देखिए कैसा लग रहा है। और देखिए मम्मी क्या, तुम काजल लगाया था तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये क्या आप कर रही है मैम? ये हम बना रहे हैं, मम्मी का मन कर रहा है थोड़ा सा तीखा चटपटा खाने का, तो ये तो तुम्हारे और दादी के लिए अभी बना रहे हैं। उसके बाद हम अपना ये डालेंगे, देखो ये हम डालेंगे अपने लंबा लंबी मिर्ची, सब बनाएंगे प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े, और सामने रखा है गर्म गर्म पकौड़े। प्याज का हम नहीं खाते हैं। प्याज इसका खाएगा तो इतना ज्यादा नमक, नमक इसमें नहीं डाले हैं अभी, नमक से पानी निकलता है ना, पानी मतलब डालने में ना पानी छोड़ देता है, इसको अभी डाले हैं, मिला दे रहे हैं, चीज करते हैं। हाँ मम्मी, हम लोग रॉक सॉल्ट यूज करते हैं, पतंजलि का सेंधा नमक। इसको कौन सा नमक बोलते हैं? सो फ्रेंड्स, अब इसको मम्मी अच्छे से मिला ली है, अब जब कढ़ाही से निकलेगा बाहर तब मैं आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। ये ईशान और माँ के लिए लेकर जा रहे हैं, और ये हम अपने में मिर्ची डाले हैं, अभी ये भी निकलेगा तो ईशान और माँ को देंगे, जब तक ये देकर आते हैं। ओ, ईशान तो खा लिया मम्मी के बनाते बनाते, फिनिश कर लिया, एक दो ही बचा है। ईशान कैसा लगा? ईशान अच्छा लगा, अच्छा लगा मेरे बेटा को? धारा तेल से ही ना बनाई है। नहीं बेटा, सरसों तेल से बनाया, रिफाइंड से नहीं बनाया है, सरसों तेल से ही सब अच्छा लगता है। और ये मेरे एक्स्ट्रा स्पाइसी पकौड़े रेडी हैं खाने के लिए, तो चलिए इसे खाते हैं और इंजॉय करते हैं। और सबको अच्छा लगा, माँ भी खा ली है, बाबू भी खा लिया है, अब मैं रह गई हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। ईशान आया है और लेगा बेटा मिर्ची जो मम्मी डाल के बनाई है? ना, नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक, शाम हो चुकी है और ईशान अपने पढ़ाई में लगा हुआ है, और इस आधे घंटे से लिख रहा है, और उसका क्या करना है, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना है। और इधर दादी लगी हुई है सूक्ष्म व्यायाम करने में। रामदेव बाबा क्या बोले हैं माँ, पूरे दिन सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए, दादी का सूक्ष्म व्यायाम पूरे दिन चलते रहता है। से अपन का दादी के लिए अब गर्मी आ गया है, फुल स्वेटर से दादी हाफ स्वेटर पे आ गई हैं, लेकिन दादी का कान ढका रहता है, कान बंद रहता है। एक घंटा हो गया बबुआ को बनाओ, एक घंटा हो गया ना, हम देखिए आधे ही घंटा बोल रहे थे, एक घंटा ना, तो एक घंटा में तो 10 मिनट लेट गया ना माँ, इसके पेट में गैस हो गया था, हो गया, क्या हो गया था पेट में? गड़बड़, गड़बड़ हो गया था, तो मम्मी इसको क्या दी? गड़बड़ क्या दी? अजवाइन का, नहीं, गड़बड़ का किंग दिया, गड़बड़ का किंग दिया, अजवाइन खोला के उसका पानी दिए, काला नमक मिलाकर, बाल हटाओ ना मुंह, तब इसको रिलीफ हुआ, नहीं तो गया टॉयलेट करने आया तो कह रहा है मम्मी पेट में दर्द, मम्मी पेट में दर्द, मतलब जोर से हो रहा था ना कि आप सोच भी नहीं सकती है। कितना कस के हो रहा था बताओ, कि हम नहीं सोच सकते हैं, बताओ कैसे हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था? एक गलत बता दिए थे माँ, यहाँ से लेके ना जब थोड़ा सा हम पिए ना माँ, तो यहाँ का खत्म हो गया, और नीचे यहाँ से पूरा यहाँ तक एकदम बहुत तेज दर्द होने लगा, इतना कि मोड़ा भी नहीं जा रहा था। हाँ बेटा, हम समझ सकते हैं। तब माँ माँ पकौड़ी खाई है तो कह रही है कि एक भी रोटी नहीं खाएंगे, खा लीजिएगा माँ, एक भी खा लीजिएगा, एक रोटी, एक रोटी खा लीजिएगा माँ, आधा रोटी खा लीजिएगा माँ, आधा रोटी ईशान के खिला दिया। ईशान तुम खाएगा ना रोटी? काहे काहे क्या होता है, सब लोग बोलता है क्यों? हाँ लेकिन मेरा दोस्त कहता है काची, दूध में के सब मलाई निकाल के मलाई रोटी खिला दिया बबुआ के, कोयला से बना हुआ एकदम, नहीं कोयला का मलाई नहीं बेटा, तुमको दूध का मलाई, दूध का मलाई बोलो खाएगा, काला वाइट, काला वाइट, काला वाइट क्या हुआ, मलाई तो है काला है, उजला है, कौन डिफरेंस है, कौन डिफरेंस है, कौन डिफरेंस है? हम उसमें तेज पत्ता डाल के बनाए थे, काढ़ा में से निकला था मेरा। हम पूरा एकदम श्योर है कि ईशान बिल्कुल अपने पापा के
बिल्कुल वैसा ही इसका चॉइस होते जा रहा है। उनको भी कुकिंग बहुत अच्छा लगता था, इसको भी कुकिंग बहुत अच्छा लगता है। ये चीज दे दो काटने के लिए, वो चीज दे दो काटने के लिए, ये चीज दे दो बनाने के लिए। इतना छोटा है किचन में जाके कहता है कि ये काम करने दो, वो काम करने दो। हाँ तो अच्छे से काट भी लेते, छील भी लेते हैं। हाँ बेटा, ये गुण है जो तुमको मिला है पापा से। और इधर दादी हैं ईशान को देख रही हैं कि क्या घड़ी देख रही हैं कि अभी कितना समय में ही बनाता है। दादी गार्ड कर रही हैं, दादी टाइम देख रही हैं कि ईशान कितने देर में बनाता है। तब दादी कंटिन्यू रहिए सूक्ष्म व्यायाम, अपना कंटिन्यू किए रहिए, सूक्ष्म व्यायाम करते रहना चाहिए। रामदेव बाबा कहते हैं जब जब बैठिए तो इधर उधर हाथ पर हिलाते डुलाते रहिए। कैसे हम करते हैं? कैसे करते हो तुम? कैसे करते हो तुम? ये क्लास किया इंग्लिश ग्रामर का, और उसके बाद कंप्यूटर का क्लास हुआ आधे घंटे के बाद, और बीच में हम 2 मिनट के लिए मिक्सी चलाए मसाला पीसने के लिए, म्यूट कर लेता लेकिन म्यूट नहीं किया। ऊपर से हम आए तो हमको बोल रहा है कि आप मिक्सी चला रही थी, आवाज आ रहा था। और इससे शाम में पूछे कि मैम क्या क्या बोली है रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो बोल रहा है क्या आप तो मिक्सी चला रही थी तो हम सुने ही नहीं। मतलब 2 मिनट हम मिक्सी चलाएं, 40 मिनट का क्लास हुआ, 40 मिनट में कुछ नहीं सुना 2 मिनट के आवाज की वजह से। मतलब ये सोचने वाली बात है, ये इतना बदमाश हो गया है कि अपना गलती छिपाने के लिए दूसरे पे ब्लेम करते रहता है, क्योंकि इसको तो याद ही नहीं है मैम क्या रिवाइज करने बोली है, क्या पढ़ने बोली है। हाँ हो भी गया, तो हो भी गया। सब बोलते हैं बेटा किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, हम डरते बोलना चाहिए, आंसर करना चाहिए, सही या गलत उससे क्या हुआ, गलत होगा तो मैम सही करे। बोले लेकिन नहीं आया, ये बोलता है। यस मैम आ गया मुझे। हाँ माई बात सही कह रही है मैम, कुछ ही पूछती है तो बोलता है कि यस मैम समझ में आ गया, क्योंकि इसको तो पता है कि बाद में हम मम्मी से पूछ लेंगे, इसीलिए खत्म हो जाए। अब हम लोग वीडियो को एंड करने जाए, सुनने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स ईशान दूध पिया है, सो दूध का हल्दी लगा हुआ है मुंह में। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज। अब हम लोग मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय टाटा।